नमो बुद्धाय। अनित्य स्कंद ध्यान के बारे में, अनित्य आयतन ध्यान के बारे में आपको मालूम है, क्योंकि अनित्य आयतन ध्यान छह इंद्रिया के अनुसार हम लोग मनन करते हैं ना। आँख में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है, कान में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है, नाक में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है, जीभ में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है, और शरीर में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है, और मन में पंच उपादान स्कंद उत्पन्न होता है। ये पंच उपादान स्कंद नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, बदल रहा है हर एक चंचन में, इसीलिए वो छ इंद्रिया में उत्पन्न होने वाले पंच उपादान स्कंद मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं, उसी प्रकार मनन कर सकता है आयतन ध्यान में। लेकिन ये आयतन ध्यान समझ सकता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार नहीं है। लेकिन स्कंद ध्यान ऐसा नहीं, आपको समझ में आ गए ये स्कंद ध्यान के बारे में। स्कंद ध्यान में एकदम हर जगह का हर एक चीज को डिलीट कर देता है, जैसे कि ये रूम साफ करना चाहिए आपको, आपने क्या किया, रूम का हर एक सामान हटा दिया, पर्दा हटा दिया, ये पंखा सब बल्ब सब कुछ हटा दिया, हटा के हर जगह पानी मार दिया, एकदम छोटा छोटा जगह भी देख लिया है, देख करके एक बूंदा भी गंदा है तो वो भी हटा दिया, अंत में रूम में एक भी बूंदा गंदा नहीं है, रूम एकदम परफेक्ट पवित्र है, एकदम पवित्र है रूम। वैसे ही है स्कंद ध्यान। आयतन ध्यान कैसा है? रूम में समान है लेकिन साफ करता है, शायद साफ हो भी सकता है, आधा साफ हो भी सकता है ना, साफ तो होगा ही। स्कंद ध्यान में सारी चीज हटाता है, वैसे ही है स्कंद ध्यान में आपका मन कहीं भी रह गया तो उसी जगह पे आप अपना मन को रहने नहीं देता है, हर एक जगह से मन को अनासक्त कर देता है, साटने नहीं देता है। जैसे कि अतीत में जो निरुद्ध हो गया है, निरुद्ध होता है मतलब नष्ट हुआ है, अतीत में जो नष्ट हुआ है ऐसा जो रूप है, वो रूप, वो सारे रूप किस कारण से उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से, वो सारे रूप इसीलिए बदल रहा है। क्यों पृथ्वी आपो तेजो बदल रहा है? इसीलिए वो सारे रूप अतीत में अनित्य है, अनित्य मनन करना चाहिए। ऐसा है तो अतीत में रूप क्या है मन में आना चाहिए, अतीत का रूप क्या है? बिना मनन कर, बिना मन में आके सिर्फ शब्द सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अतीत का सारे रूप, भगवान बुद्ध की रूप भी अतीत में था, महामान दत्त राजा का रूप भी था, यशोधरा का रूप भी था, खूबसूरत ब्यूटीफुल लोगों का रूप था, कुरूप लोग का रूप था, मेरा रूप भी था अतीत में, एकदम अलग अलग प्रकार के रूप था। वो सारे रूप क्या हो गया? अनित्य हो गया। अतीत में खूबसूरत घर द्वार था, वो भी रूप है ना, घर द्वार, पहाड़, जंगल, झरना, इंसान, देवता, ब्राह्मण, अतीत में जो कुछ रूप उत्पन्न हुआ, कौन सा रूप बताइए, वो रूप अपना हो सकता है, बाहर हो सकता है, मुलायम हो सकता है, कठोर हो सकता है, उत्तम हो सकता है, नीच हो सकता है, अपना पास हो, दूर हो सकता है, कोई भी रूप अतीत में था, वो सारे रूप
पट व्याप तेजो आयो से उत्पन्न हुआ, पट व्याप तेजो आय बदलने के कारण बदल गया, वो सारे रूप अनित्य हो गया, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। तो भविष्य में भी रूप उत्पन्न होता है, होगा, सुंदर, कुरूप, आमिर, गरीब, ऊंच, नीच, कठोर, मुलायम, अलग अलग प्रकार का रूप उत्पन्न होगा ना भविष्य में। भविष्य में उत्पन्न होने वाले सारे रूप भी किस चीज के कारण उत्पन्न होगा? पृथ्वी, आप, तेजो, वायु से उत्पन्न होता है। तो भविष्य में उत्पन्न होने वाले सारे रूप भी अनित्य है, वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। ऐसे है तो भविष्य में आने वाले रूप पर हमारा मन आसक्त होते रहेगा, अभी से अनासक्त है। तो अतीत में ऐसा रूप खत्म हो गया, भविष्य में भी आने वाले रूप वैसे ही खत्म होगा, वर्तमान में रूप भी वैसे ही है। वर्तमान में रूप क्या है? सब घर द्वार, मानव, इंसान, माँ, पिताजी, संत लोग, मूर्ख लोग, सभी लोग, सब रूप है। पहाड़, इलाका, जमीन, घर द्वार, ये सब कुछ उत्पन्न हुआ पटवियाप तेजो आयु के कारण। लेकिन पटवियाप तेजो आयु हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए वर्तमान में सारे रूप भी अनित्य हैं, वो सारे रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। अभी आप अतीत, अनागत, वर्तमान रूप के बारे में जान गया, ठीक है। अभी आप सुनेंगे तीन तीन चीज जान गया है, अभी आप ध्यान दे दीजिए, एकदम ये अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तब समझ में आता है। नींद में सुन लिया समझ में नहीं आता, याद रखिए। आप कितना प्रकार के जान गए रूप? तीन प्रकार का रूप है। इसके बाद अपना यही समझने वाले, अपना जैसा समझने वाले जो कुछ रूप है, अपना जैसा समझने वाले सारे रूप पृथ्वीयापति जो आये से उत्पन्न। अपना रूप क्या है? ये आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन। और अपना रूप क्या है? ये घर द्वार। अपना रूप क्या है? जमीन। अपना रूप क्या है? समझता है, अपना अपना जो समझता है वो सब अपना रूप है। अपना सारे रूप भी पृथ्वीयापति जो आये से उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो रूप तीन बार अनित्य सोचता है ना। एक बार सोचे अनित्य है अतीत जैसा, और एक बार सोचे भविष्य में भी अपना रूप अनित्य होगा, और एक बार सोचे वर्तमान में अपना सारे रूप अनित्य है। तो अपना अपना अतीत का रूप के बारे में कोई चिंता नहीं, भविष्य में अपना आने वाला रूप के बारे में कोई आसक्त नहीं, वर्तमान के बारे में भी आसक्त नहीं है ना, समझ गए थे। इसके बाद दूसरा रूप, दूसरों का जैसा मानने वाले जो कुछ रूप है, दूसरों जैसा मानता है, बगल वाले घर द्वार, बगल वाले आदमी लोग, पराया, विदेशी लोग, और देवताओं, जो बाहरी लोग, अपने से बाहर लोग, अपने से बाहर जो कुछ रूप है, वो सारे रूप भी उत्पन्न हुआ पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये चार महाधातु से। तो अपने से बाहर वो सारे रूप भी ये चार महाधातु बदलने के कारण बदल रहा है। इतना विस्तार से हम बता रहे हैं ना, उतना विस्तार से आप अनित्य ध्यान करते समय समझना चाहिए, समझ गया ना। आप स्पीड में सोचेंगे तो स्पीड में ये सब कुछ समझ में आना चाहिए, तब आप अनासक्त होंगे, उसको यौन सुमनसिकार कहते हैं। नहीं तो आप शब्द को मनन करते जाएंगे तो मतलब नहीं है, शब्द के अनुसार सब आना चाहिए। तो अपने से बाहर रूप के बारे में आप समझ लेंगे तो
आपका मन में आना चाहिए, अपने से बाहर विश्व में, ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में जितना रूप है सब वैसा ही है। पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, आपो से, तेजो से, वायु से, मिट्टी बनने वाला चीज से, पानी जैसा चीज से, गर्मी पदार्थ से हो, हवा पदार्थ से उत्पन्न हुआ। वो सारे बाहरी रूप अनित्य है, सोचना चाहती बाहरी रूप अनित्य हुआ है, फिर एक बार अनित्य है, अनागत के बारे में सोचिए, तीसरी बार अनित्य सोचिए वर्तमान के बारे में। वो इसके इसमें विस्तार में हम सोचते हैं, वो सिस्टम अच्छा लगता है ना। एक बार अनित्य सोच लिया तो अतीत में भी ऐसे बाहर चीज अनित्य हो गया है, और एक बार अनित्य सोचेंगे तो भविष्य में भी अनित्य होंगे पक्का, बाहरी रूप दूसरों का रूप, और एक बार अनित्य सोचेंगे तो वर्तमान में भी जो कुछ दूसरों का रूप है वो भी अनित्य है। अनित्य है तो वो रूप आपको अपना वास में कर सकता है, किसी का भी रूप, चाहे आपका मम्मी पापा का, भाई बहन का, दोस्त का, देवताओं का, कुछ भी नहीं है ना। ऐसा है तो वो रूप मैं नहीं, वो रूप मेरा नहीं, वो रूप मेरा आत्मा नहीं। इसके बाद शुरू में हम विस्तार कर देंगे, फिर धीरे धीरे आपको शॉर्ट करके बताने पर समझ में आएगा। कठोर रूप है, कठोर रूप है, वो कठोर सारे रूप भी पृथ्वी आपो तेजो वायु से उत्पन्न हुआ। आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, आस्तोस को मालूम है। पृथ्वी मतलब आस्तोस, मिट्टी जैसा पदार्थ को पृथ्वी कहता है, आपो मतलब पानी जैसा, तेजो मतलब गर्मी, गर्मी जैसा, वायु मतलब हवा, ये चार तत्व से हमारे शरीर बन गया है। इस शरीर में पृथ्वी चीज है, बाल मांस जैसा, इसके बाद इस शरीर में आपो चीज है, खून पेशाब जैसा, इस शरीर में तेजो चीज है, कान पचाता है वैसा, गर्मी बुखार आता है वही गर्मी। इसी शरीर में वायु चीज क्या है, अंदर इधर उधर जाने वाले हवा, पेट में रहता है हवा, आगे पीछे से निकलता है हवा, वो वायु धातु है। ये चार तत्व से इस ब्रह्मांड का हर एक रूप उत्पन्न होता है। चाहे सोचिए ये दीवार में भी चार तत्व है, लेकिन ज्ञात करके क्या दिखता है, पृथ्वी दिखता है, लेकिन इसमें आपो भी है, तेजो भी है, वायु भी है। इसके बाद पानी में चार हैं, लेकिन ज्यादा दिखता है आपो, लेकिन पृथ्वी भी है, तेजो भी है, वायु भी है। हवा में भी पृथ्वी आप तेजो वायु है, लेकिन ज्यादातर दिखता है वायु। देखिए हवा में पृथ्वी है ना, लगता है तो ना, इसका मतलब पृथ्वी है। ये हवा में ज्यादा आपो वायु धातु दिखता है, लेकिन इसमें पृथ्वी आपो तेजो है। आग में पृथ्वी आप तेजो वायु है, लेकिन ज्यादा दिखता है तेजो धातु। समझ गए अभी, इस ब्रह्मांड में हर जगह में चार तत्व से ही ये बन गया है। इसके बाद कठोर रूप है, कठोर रूप क्या है, मनुष्य लोग का रूप, मानव का रूप, जो कुछ हम लोग का रूप है ना, ये सब कौन सा रूप है, कठोर। कठोर मतलब दिखाई देता है, ये सारे कठोर, जितना कठोर रूप है, सारे कठोर रूप पृथ्वी आप तेजो वायु के कारण उत्पन्न हुआ। पृथ्वी आप तेजो वायु बदल रहा है, इसलिए ये सारे कठोर रूप भी बदल रहा है। ऐसा है तो ये सारे कठोर रूप अनित्य है। कैसे अनित्य सोचना चाहिए, अतीत में अनित्य हुआ, अनित्य है, भविष्य में भी अनित्य होगा, अनित्य है, वर्तमान में भी अनित्य हो रहा है। इसके बाद मुलायम रूप है, मुलायम कौन सा रूप है,
प्रेतों का रूप, नरक का रूप, नरक में रहने वालों का रूप, देवताओं के रूप, ब्रह्म के रूप, ये सारे रूप मुलायम है। मुलायम मतलब आर पार दिखता है, इधर कोई देवता आ गया तो देवता दिखता नहीं, आर पार दिखता है ना। इसीलिए उसी रूप को हम लोग कहते मुलायम है। वो सारे मुलायम रूप भी उत्पन्न हुआ पृथ्वी आपो तेजो वायु से। हम लोग का मन कठोर है, इसलिए हम लोगों को मन में आता है देवताओं का शरीर में पृथ्वी भी नहीं, आपो भी नहीं, तेजो भी नहीं, वायु शायद होगा, क्यों हम लोग कठोर प्रकार से पकड़ने के लिए सोचते हैं ना। जैसे कि आनापानसति ध्यान करने से हम लोग कहते हैं आनापानसति ध्यान का श्वास पता चलता है, हम लोग इंतजार करते हैं जोर से पता लगना चाहिए, जैसे अंगुली अंदर घुसाता है बाहर निकालता है जैसा। लेकिन आनापानसति ध्यान में आने जाने वाले श्वास एकदम महीन से समझ में आता है, एकदम नहीं पता चलता जैसा समझ में आता है, बहुत ध्यान देने पर पता चलता है, लेकिन फिर भी कठोर से नहीं। शुरू में हम लोग गड़बड़ होता है, कठोर से पता होना चाहिए नदी बहता जैसा, ऐसा नहीं होता है। वैसा ही कठोर चीज कठोर प्रकार से नहीं मनन करना चाहिए। देवताओं का शरीर में भी पृथ्वी आपो तेजो वायु है, ऐसा है तो वो रूप भी अतीत में भी अनित्य हो चुका है, भविष्य में भी अनित्य होंगे, वर्तमान में भी जो सारे मुलायम रूप है वो सारे रूप अनित्य है। इसका मतलब देव प्रेत ब्रह्म नरक का सारे रूप अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। वो सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ऐसे करके छोड़ दीजिए। इसके बाद आप मनन करते हैं उत्तम रूप। उत्तम रूप माना जाता है ब्राह्मणों का रूप। ब्राह्मणों का ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारी है ना, उसमें पंचकाम संपत्ति का संगत नहीं होता है, इसीलिए उस उन लोग का रूप उत्तम माना जाता है। अरहंत लोग का रूप उत्तम माना जाता है, भगवान बुद्धि के रूप उत्तम माना जाता है। वो सारे रूप भी उत्पन्न हुआ पृथ्वी आप तेजो वायु से, बदल रहा है। इसीलिए अतीत में भगवान बुद्ध लोक का ब्रह्म लोक का अरहंत लोक का रूप क्या हो गया, अनित्य हो चुका है, भविष्य में भी अनित्य होंगे, वर्तमान में भी अनित्य हैं। वो सारे रूप अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। वो सारे रूप मेरा अपना वास में कर पाएंगे कर पाता है, ऐसा है तो सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। ठीक है, नीच रूप है। अभी उत्तम रूप के बारे में हम आपको बताया, नीच रूप क्या है, मानो का रूप नीच है, पंचकाम के साथ रहता है, और देवताओं का रूप नीच है, पंचकाम के साथ रहता है, सुख भोगते भोगते लड़कियां के साथ मजा लेते लेते रहता है, नीच है। नरक का रूप नीच है, प्रेतों का रूप नीच है, जानवरों का रूप नीच है। ये सारे रूप नीच प्रकार से रहने वाले सभी रूप भी पृथ्वी आपो तेजो वायु से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी आपो तेजो वायु बदलने के कारण बदल रहा है, इसीलिए ये सारे रूप अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है, अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। वो सारे नीच प्रकार के रूप मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। इसके बाद दूर जो कुछ रूप है, दूर में रूप समझ में आ गया तो आपको मन में आ जाएगा दूर देशों में रहने वाले अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार के बारे में मन में आता होगा, उन लोग वहाँ हैं, याद आता है रोज, उन लोग भी अनित्य है ना। दूर में जितना रूप है
वो सारे रूप पट व्यापति जवाय से उत्पन्न हुआ। वो सारे रूप पट व्यापति जवाय बदलने के कारण बदल रहा है, इसलिए दूर में रहने वाले सारे रूप अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है। वो सारे रूप अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। दूर में जो कुछ रूप है वो सारे रूप मेरा है नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। देखिए हम लोग हमेशा दूसरा रूप पर बंधन होने का एक प्रकार है, हमेशा हम लोग सोचते हैं वो हमको प्यार कर रहा है, अभी तक प्यार करता होगा, अभी तक मुझ पर भरोसा होगा। इसका मतलब हम लोग सोचते हैं वो मेरा वास में है, वो मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा, ऐसे समझता है ना। इसीलिए हम एक दूसरे को मन लगा के प्यार करते रहते हैं। लेकिन पटापट सोचना चाहिए वो भी पंच उपादान स्कंध, वो भी रूप है, वो भी मैं ही नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं, छोड़ना चाहिए इसे करके। इस बात पास में जो कुछ रूप है, पास में क्या क्या रूप है, ये है पास में जो कुछ बोध गया में आस पास में जो जितना रूप है वो सारे रूप उत्पन्न हुआ पट व्यापति जो आयु के कारण। आस पास में रहने वाले सारे रूप अतीत में भी अनित्य हो चुका है, भविष्य में भी अनित्य होगा, वर्तमान में भी अनित्य हो रहे हैं। ऐसे है तो पास में रहने वाले सारे रूप अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। पास में रहने वाले सारे रूप मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। वो रूप स्कंद को खत्म कर दिया है। क्या स्कंद खत्म कर दिया? रूप स्कंद। अभी हम शॉर्टली बता के जाएंगे। इसके बाद क्या है? वेदना स्कंद। वेदना मतलब क्या है? सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना। ये वेदना उत्पन्न होने का कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श मतलब आंख, रूप और विज्ञान का स्पर्श से रूप के कारण उत्पन्न होने वाले सुख या दुख या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? कान, आवाज और विज्ञान तीनों मिलने के कारण, स्पर्श होने के कारण कान में वेदना उत्पन्न होता है सुख दुख या उपेक्षा। नाक, गंध और विज्ञान तीन मिलने के कारण नाक में सुख दुख उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। जीभ, रस और विज्ञान तीन मिलने के कारण वेदना उत्पन्न होता है। शरीर, स्पर्श और विज्ञान तीन चीज का स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होता है। मन, विचार और विज्ञान तीन का मिलने से स्पर्श से वेदना उत्पन्न होता है, चाहे वो वेदना सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है। अभी आप परफेक्ट वेदना के बारे में जान गया, ठीक है? सभी लोग वेदना के बारे में जानते हैं, है ना? अभी आप मनन करिए अतीत में जो कुछ वेदना नष्ट हुआ है। अतीत में सुख वेदना भी था, नष्ट हो गया, दुख वेदना भी था, नष्ट हो गया, उपेक्षा वेदना भी था, नष्ट हुआ है। अपने के बारे में सोचेंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं? ये सुनने से हमको तो बहुत मजा आता है, बोलने से भी। अतीत में जो कुछ आपको दर्द आ गया, बहुत टेंशन आया, सब अनित्य हो चुका है। अतीत में आपको बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी आया, वो भी अनित्य हो गया। अतीत में आपको जो कुछ उपेक्षा यानी कि मध्यस्थ वेदना हुआ, वो भी अनित्य हो चुका है। अतीत में जो नष्ट हुआ वो सारे वेदना अनित्य हुआ है, अनित्य है, अनित्य है। वो सारे वेदना अपना वश में पकड़ा पाएगा? पकड़ा पाया नहीं। वो सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, छोड़ दीजिए। एक सेकंड के पहले तक अतीत था, सारे वेदना को छोड़ दीजिए,
छोड़ दिया। इसके बाद फिर भविष्य में होंगी वेदना, पक्का भविष्य में सुख मिलेगा, दुख मिल जाएगा, उपेक्षा भी मिल जाएगा मध्यस्थ रूप देखने में, रूप के कारण या शब्द के कारण या गंध के कारण या स्वाद के कारण या स्पर्श के कारण या तो फिर विचार के कारण सुख दुख उपेक्षा वेदना पक्का उत्पन्न हो जाएंगी। अनागत में भविष्य में उत्पन्न होने वाले सारे वेदना भी अति जैसा ही है, वो सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। वो सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। अभी छोड़ दीजिए भविष्य का सारे वेदना को, मस्त। इसके बाद वर्तमान में वेदना उत्पन्न होता है, वर्तमान में सारी वेदना याद करिए अभी आप लोगों को, दुख जो कुछ वेदना उत्पन्न होता है, शरीर का वेदना है, मन का टेंशन की वेदना है, कुछ आपका विचार में वेदना उत्पन्न होता होगा, कुछ घर द्वार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कोई चीज़ के बारे में कुछ भी वेदना उत्पन्न होता होगा ना, सब सब निकाल दीजिए। वर्तमान में जो कुछ वेदना है, सारी वेदना अतीत में जो कुछ हुआ वैसे ही है, स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण वर्तमान का सारे वेदना बदल रहा है। इसीलिए वर्तमान का सारे वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वर्तमान का सारे वेदना अपना वश में कर सकता है? क्यों नहीं, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। इसीलिए वर्तमान का सारे वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तीन काल जान गया है, अभी वो तीन काल लेके जाना चाहिए, ठीक है? कैसे? अपना यह समझने वाले जो कुछ वेदना है, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये दर्द आ गया, मेरे लिए दुख आ गया, ऐसे करके अपना दुख जो कुछ वेदना है ना, रूप देखने के कारण, सुनने के कारण, सुनने के कारण, स्वाद लेने के कारण, स्पर्श लेने के कारण, या तो फिर विचार आने के कारण, अपने लिए जो कुछ वेदना उत्पन्न होता है ना, वो सारी वेदना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ। स्पर्श तो ऐसा बदल जाता है, स्पर्श बदलने के कारण अपना सारी वेदना बदल रहा है। ऐसा है तो अपना सारी वेदना अतीत में भी अनित्य हो चुका है, भविष्य में भी अनित्य होंगे, वर्तमान में भी अनित्य हो रहा है, अभी हो रहा है कि नहीं। ऐसे तो वो सारी वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अपना जैसे समझने वाले सारी वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इसका मतलब अपना वास में नहीं कर सकता। अपना सारी वेदनाओं को आप हटा दीजिए, हटा दिया है, अभी अपना वेदना के बारे में कोई चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करते हैं मतलब आप पकड़ लिया, हटाना चाहिए ये स्कंद ध्यान एकदम मस्त, हटाने का ही ये ध्यान, कहीं आपका मन रहेगा नहीं, सटने का एक बूंद जगह नहीं मिलेगा अच्छे से करेगा तो। इसका अपना दूसरों का जो कुछ वेदना है, दूसरों का क्या वेदना, अपना भैया का, अपना मम्मी का, अपना गुरुजी का, अपना दोस्त का, अपना परिवार का, दूसरों का जो कुछ वेदना है ना, वो सारी वेदना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ है, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। इसीलिए बाहर दूसरों का जो कुछ वेदना है, वो सारी वेदना अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है, क्यों, स्पर्श के कारण नहीं। इसलिए वो सारी वेदना मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरा आत्मा नहीं। देखिए कभी कभी हम लोग का मम्मी पापा लोग कुछ दिन पहले कुछ परेशान के बारे में बताया, बहुत टेंशन परेशान है, हम लोग उस परेशान को उठा के एक दो सप्ताह मनन करते रहते मम्मी को परेशान है, नहीं उसी दिन ही वो परेशान मम्मी का मन से हट गया, क्यों, स्पर्श के कारण वो परेशान ना आ गया, स्पर्श के कारण वेदना खत्म हुआ। लेकिन हम लोग मनन करते रहता है ना, मम्मी को ऐसा परेशान है, पापा को ऐसा परेशान है, और मेरा दोस्तों का ऐसा परेशान है, गुरुजी का ऐसा परेशान है, ऐसा नहीं, गुरुजी
गुरु जी उसी परेशान से मुक्त हो गया, वेदना नित्य है, हम लोग उसी परेशान से उठा के रहता है ना, ये कितना माया है। हम लोग पटापट क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हम लोग का गुरु बनते जी अपना दिल जैसा है, फिर भी उनको मिलने वाले दर्द वेदना भी अनित्य है, स्पर्श बदलने का बदल रहा है, वो भी मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरा आत्मा नहीं। इसके बाद कठोर जो कुछ वेदना है, कठोर वेदना क्या है, कठोर शरीर में मिलने वाली वेदना, मनुष्य जानवर इत्यादि, उसी शरीर में मिलने वाले जो कुछ वेदना है, सारी वेदना अनित्य हो चुका अतीत में, अनित्य है। सोचने से फटाफट अतीत के बारे में मन में आना चाहिए, बाप रे अतीत में सारी वेदना अनित्य हो चुका है। बिंबिसार राजा का ये पैर का चमड़ी चिला के नमक का आग में चलाया, पैर फाड़ के नमक डाल दिया, कितना वेदना आया होगा, अनित्य हो चुका ना। और बहुत सारे लोग हाथ पैर काट दिया, अनित्य हो चुका है। हम लोग काती जन्म जन्म कितना काट दिया, अनित्य हो चुका है वेदना, और भविष्य में भी अनित्य है कठोर वेदना। कठोर वेदना मतलब क्या है, कठोर क्या मतलब क्या है, मानव जानवर इत्यादि जन्म, ठीक है वो कठोर है। इसके बाद कठोर सारी वेदना अनित्य है, क्यों, स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है, स्पर्श कितना जल्दी बदल रहा है, आग पलकता है ना उतना जल्दी, उससे भी जल्दी स्पर्श तुरंत बदल रहा है। कभी कभी आपको मन में आया होगा बहुत दुख आ गया है, तुरंत दुख एकदम हवा जैसा हट जाता है, सुख आ जाता है, ऐसे होता है ना, जल्दी बदल रहा है ये वेदना। कभी कभी सुख है तुरंत दुख में पलट जाता है, कभी कभी सुख दुख है वो उपेक्षा में पलट जाता है, कभी उपेक्षा है वो सुख में आता है या दुख में आता है, वेदना हमेशा पलटते रहता है, वो वेदना पलट रहा है, इसीलिए वो वेदना अपना वास में कर सकता है क्या, कभी भी नहीं। वो वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ठीक है। इसके बाद मुलायम जो कुछ वेदना है, मुलायम वेदना क्या है, मुलायम शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना, देव ब्रह्म प्रेत नरक नरक इत्यादि, वो सार नरक में हम लोग जन्म लिया ना, अभी भी नरक में लोग दुख भोग रहा है, वो भी वेदना खत्म हो रहा है ना, देवताओं कितना सुख भोग रहा है वो भी खत्म हो रहा है, प्रेतों बहुत दुख भोग रहा है वो भी खत्म हो रहा है, वो सारे वेदना अनित्य हैं, अनित्य हो चुका, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है, अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं, वो सारी वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद उत्तम वेदना है, उत्तम वेदना क्या है, ब्रह्मों का वेदना हो सकता है, ध्यान में आने के बाद उत्पन्न होने वाले उत्तम है ना वो वेदना भी, क्योंकि उसमें पंच निवरण नहीं है, अरहंत लोगों के पास उत्पन्न होने वाली वेदना पंच निवरण नहीं है, है ना, ध्यान में आ गया वो अनित्य है कि नहीं, ध्यान में उठने में कहा अनित्य है, शायद ध्यान करते समय अनित्य होता है ना, वो सारे उत्तम वेदना भी अनित्य हैं, अनित्य है, अनित्य हैं, अतीत में अनित्य हो चुका ना, वर्तमान में वैसे, भविष्य में वैसे हैं, वो बदलने वाले अपना वश में जो नहीं कर सकते, वो सारे वेदना उत्तम वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद नीच वेदना, नीच मतलब देवलोक मनुष्यलोक नरक जानवर प्रेत, उन लोगों में उत्पन्न होने वाले सारी वेदना,
यानी कि पंच काम के साथ उत्पन्न होता है ना, पंच काम के साथ उत्पन्न होने वाली सुख वेदना, पंच काम के साथ उत्पन्न होने वाली दुख वेदना, पंच काम के साथ उत्पन्न होने वाली उपेक्षा वेदना अनित्य है, स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने से तुरंत बदल रहा है, वो वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, वो सारी वे नीच वेदना मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद दूर में जो कुछ वेदना है, दूर में जो कुछ वेदना है, दूर में मतलब कहीं भी जो कुछ, कहीं भी दूर में सोचे पास समझ ले बोध गया, बोध गया से हटकर सब दूर में जो कुछ वेदना है वो सारे वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने से बदल रहा है, इसीलिए दूर में रहने वाले सारी वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। दूर का सारे वेदना मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मेरा नहीं समझने से आप लोग समझना चाहिए वो वेदना मेरा नहीं है, मेरा नहीं मतलब हमको पकड़ नहीं सकता है, मैं नहीं मतलब वो वेदना हम नहीं है, मेरी आत्मा नहीं मतलब मेरी वश में नहीं कर सकता है, समझ गया ना। इसके बाद पास में जो कुछ वेदना है, आसपास में उत्पन्न होने वाले सारी वेदना, सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, वो सारे पास की वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है, इसलिए पास में उत्पन्न होने वाली सारी वेदना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। पास की सारी वेदना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अभी दो चीज खत्म हुआ और तीन चीज बाकी है, कल बोलेंगे हैं? आज रात मर गया तो है ना। अतीत में जो कुछ खत्म हुआ, संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या है, पहचान, छह प्रकार की पहचान, रूप, रूप पहचानता है, शब्द पहचानता है, गंध पहचानता है, रस पहचानता है, स्पर्श पहचानता है, विचार पहचानता है, उसी पहचान को क्या कहता है, संज्ञा। अतीत में जो कुछ नष्ट हुआ है वो सारे संज्ञा किस कारण से उत्पन्न हुआ है, स्पर्श के कारण। क्यों? आँखान आँख रूप और विज्ञान मिलन से ही पहचान सकता था ना, ये तीनों से एक भी नहीं तो पहचान पाएगा रूप नहीं है ना, उसी प्रकार छह इंद्रिया में। तो अतीत में जो कुछ पहचान हुआ वो सारे पहचान स्पर्श के कारण हुआ है, स्पर्श बदलने के कारण बदल गया है, सारे अतीत का पहचान अनित्य हो चुका, अनित्य है। वह अतीत में जो पहचान लिया वो सारे पहचान अपन वश में कर सकता है? अच्छा से देखिए आप लोग अतीत में सुंदर सुंदर रूप पहचान लिया कि नहीं, अतीत में आप लोग खूबसूरत आवाज पहचान लिया कि नहीं, अतीत में आप लोग, अतीत मतलब एक संगन के पहले अतीत हो गया, अतीत बचपन से लेकर एक संगन के पहले तक, अतीत में आप लोग सुंदर सुंदर गंध को पहचान लिया कि नहीं, अतीत में आप लोग अच्छा अच्छा खाना को पहचान लिया कि नहीं, अतीत में आप लोग अच्छा अच्छा मजा, शरीर में आने वाले मजा को पहचान लिया कि नहीं, अतीत में आप लोग अलग अलग प्रकार के विचार को पहचान लिया कि नहीं, वो सारे पहचान स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण बदल हो चुका है। तो वो सारे पहचान अपना वश में कर पाया, इसीलिए वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में पहचान उत्पन्न होता है, हो रहा है अभी, रूपों को पहचानता है, शब्द पहचानता है, गंध पहचान, रस पहचानता है, स्पर्श पहचानता है। देखिए कुछ देर पहले धुआं का स्पर्श आ रहा था ना, धुआं का पहचान बदल गया, आप लोग इस रूम में आने के बाद ठंडा लगा, अभी ठंडा भी बदल गया है, नॉर्मल हो गया, क्यों अनित्य हो रहा है ना, सब कुछ अनित्य है। वर्तमान में जो कुछ पहचान है वो सारे पहचान भी अनित्य है, वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी
आप इसी रूम में आने के कारण ठंडा मिला, ठीक है, बहुत ठंडा, उसी ठंडा इसी गर्मी गर्मी में रहकर इधर आने पर ठंडा लगा, ठंडा पकड़ के रह पाया नहीं, अभी नॉर्मल हो गया ना, उतना मजा नहीं है ना अभी, जिस समय हरी रूम में आने के कारण मजा आ गया है, बदल रहा है अभी, कुछ देर में ठंडा बढ़ गया तो बहुत परेशान होता है, फिर ओढ़ना पड़ता है, फिर भी इधर होना पड़ता है, उधर होना पड़ता है, फिर बाहर जाने का मन करता है, अनित्य है, देख कितना सांदिट्टिक है ना ये धर्म, आश्चर्य है। भविष्य में होंगे पहचान, भविष्य में हम लोग रूप पहचानेंगे अलग अलग, अभी तक पहचाना तक नहीं, ऐसा रूप पहचानेंगे भविष्य में, अलग अलग रूप, अलग अलग बंधन हो जाएंगे उसी पहचान से ना, अलग बांधते लोग, अलग दोस्त लोग, अलग लड़की लोग, अलग लड़का लोग, अलग प्रकार की संपत्ति भविष्य में पहचानेंगे, वो सारी पहचान में अतीत में हुआ जैसा ही है, तो भविष्य में आने वाले सारे पहचान भी स्पर्श के कारण ही होता है, और कोई कारण नहीं है। भविष्य में पहचानने वाले सारे पहचान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, भविष्य में पहचानने वाले सारे पहचान मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो अभी आप भविष्य में पहचानने वाली चीज को पकड़ने के लिए तैयार है? नहीं, आने वाले भविष्य में आने वाले पहचान अभी से आप लोग त्याग किया है। इसके बाद अपना अपना जैसे समझने वाले पहचान, मतलब अपने आंखों से पहचानता है रूप, अपने कानों से पहचानता है शब्द, अपने नाक से पहचानता है गंध, अपने जीभ से पहचानता है रस, अपने शरीर से पहचानता है स्पर्श, अपने मन से पहचानता है विचार, वो अपना जैसा समझने वाले सारे पहचान स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है, इसलिए अपना जैसा समझने वाले सारे पहचान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अतीत में अपना पहचान था ना, पकड़ा पाया एक भी पहचान, अनित्य हो चुका, भविष्य भी वैसे ही होंगे, वर्तमान भी वैसे ही है। इसके बाद बाहरी पहचान, बाहर लोग पहचानता है ना, आपके परिवार के लोग, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग, आपके रिश्तेदार लोग, जो कोई लोग पहचानता है रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार, उन लोगों का पहचान भी अनित्य है। इसका मतलब हम लोगों के मन में ऐसा सोचेंगे तो किसी के ऊपर भरोसा रहेगा? रह नहीं सकता है, अनित्य है। बाहरी सारे पहचान स्पर्श के कारण उत्पन्न होते, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। हम लोग का एक मिस्टेक है, हमेशा हम लोग सोचते हैं हम लोग बदल सकता है, लेकिन उन लोग नहीं बदलना चाहिए, हमारे वो लोग, शायद वो हम लोग प्यार करने वाले लोग, उन लोग हमेशा हम लोग को प्यार करते रहना पड़ेगा, हम बदल सकता है, ऐसा ऐसा नीच विचार आता है, लेकिन सत्य क्या है, हम जिस प्रकार बदलते हैं उन लोग भी जिस उसी प्रकार बदलते रहता है। हम सोचिए, आर्यन को एक लड़की प्यार करता है, ठीक है, लेकिन आर्यन सोचता है वो लड़की हमेशा हमको ही प्यार करते रहेगा, ठीक है। इसके बाद आर्यन दूसरा लड़की को लाइन मारता है, वो लड़की सोचता है आर्यन हमको ही प्यार करता है, इसलिए आर्यन हमेशा बदलेगा नहीं, वो लड़की दूसरा लड़का को लाइन मारेगा, मारेगी, समझ गया आपको, दोनों का एकदम एकदम गड़बड़ मन है, दोनों मिस्टेक है दोनों का, वैसे हम लोग का मन नॉर्मली वैसे ही है। और वो कोई एक भांति जी, वो भांति जी मुझ पे बहुत भरोसा रहेगा, बंते सोचते हैं हम भी उबंते जी पर भरोसा है, विश्वास है, इज्जत सत्कार है, ऐसा करे बंते जी भी सोचता है वो बच्चा हम पर विश्वास रहेगा, भरोसा है, ऐसा करे कि दोनों का मन में अलग विचार उत्पन्न होता है दोनों, लेकिन अलग अनित्य है,
समझ गया ये मेरी बात को? समझ गया ना? समझ गया है? एकदम माया है ना? आप समझ गए? इसको इसको तोड़ना चाहिए। मैत्री ध्यान करते नहीं टूट जाता है, आनापान से ध्यान करके नहीं टूटता है, अशुभ ध्यान करके नहीं टूटता है, लेकिन उसी ध्यान करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? उसी ध्यान से पोषण मिलता है तोड़ने के लिए, उसी ध्यान से पांच निवरण को बैठाता है। पांच निवरण को बैठने के कारण मनन कर सकता है, इसीलिए ध्यान करना इम्पोर्टेंट हर रोज। बिना ध्यान करके ज्ञान को समझना नामुमकिन है। इसके बाद बाहरी पहचान भी हो गया। इसके बाद कठोर प्रकार की पहचान। कठोर प्रकार की पहचान मतलब क्या है? मनुष्य, जानवर इत्यादि कठोर पहचान, कठोर छह इंद्रिया की कठोर छह प्रकार की पहचान है ना, वो पहचान भी अनित्य हैं, अनित्य हैं। वो पहचान भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। मुलायम पहचान, देवताओं में रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार पहचानते हैं ना, नरक में रहने वाले लोग भी पहचानता है, प्रेतों भी पहचानता है, लेकिन वो सारे पहचान इस स्पर्श के कारण ही उत्पन्न होता है। याद रख, इस स्पर्श हर क्षण क्षण में बदल रहा है, इसलिए वो सारे पहचान अनित्य हैं, अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है। वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ठीक है। उत्तम प्रकार की पहचान जो पांच निवर नहीं है, ब्रह्मलोक में समाधि में आने के बाद या तो फिर अरहंत लोक का पहचान, वो सारे श्रेष्ठ उत्तम पहचान भी इस स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। इस स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है। वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, वो अनित्य है। इसके बाद नीच पहचान, पंच निवरण के साथ, पंच काम के साथ पहचान होता है ना, मनुष्य, देव, नरक, प्रेत, जानवर इत्यादि, लोगों का आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन से पहचानने वाले रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार, वो सब अनित्य हो चुका अतीत में, कल तक आया हुआ अतीत में कितना चीज अनित्य हो चुका है। हम लोग झूठ मूठ अपने को नित्य बना कर रहने के लिए कोशिश करते हैं, झूठ मूठ हम लोग भविष्य तैयार करके रहता है, फालतू है ना। भविष्य बना कर भी रहता है कि नहीं? हम लोग का भी भविष्य, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, झूठ मूठ हैं वो विचार भी अनित्य है। विचार वर्तमान उत्पन्न हुआ भविष्य के लिए, विचार भी मेरे नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। तो नीच प्रकार की नहीं, हाँ, नीच प्रकार की पहचान भी अनित्य है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। दूर में जो कुछ पहचान है, अमेरिका में, देवलोक में, उन लोग भी पहचानता है रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार। हम लोग सोचते हमेशा वो विष्णु जी हमेशा हम लोग पे ध्यान देगा, ख्याल रखेगा। विष्णु जी का सब कुछ अनित्य है कि नहीं? विष्णु जी बदल गया होगा, हम लोग भरोसा रख रहते हैं हम लोग बदल सकता है, ऊपर वाला नहीं बदलेगा। ऊपर वाला भी अनित्य है, ऊपर वाला भी हर क्षण में बदलते रहता है, ऊपर वाला दूसरा रास्ता पकड़ सकता है ना। देखिए कभी कभी मंत्री लोग वाजपेयी का पक्ष लेता है, कभी कभी कांग्रेस का पक्ष लेता है। कांग्रेस का पक्ष लेने के बाद हम लोग सोचते हमेशा कांग्रेस पक्ष ही रहेगा नीतीश कुमार, बाद में देखा वो वाजपेयी भी चल गया। लेकिन हम लोग जानता नहीं है, वो बदलते रहता है, हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कांग्रेस में ही रहेगा, लेकिन अनित्य है। वैसे ही हम लोग विश्वास रखते हैं इंद्र जी हमेशा हम लोग सपोर्टिंग करते रहता है, वो भी बदलते रहता है, वो भी अनित्य है। दूर में रहने वाले सब कुछ, सारे पहचान अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य। दूर में जो कुछ पहचान, वो सारे पहचान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं।
पास में पहचान है। पास में क्या क्या पहचान है? पास में लोग पहचानते हैं ना, रूप शब्द गंध स्पर्श विचार। पास पास में जो कुछ पहचान वो सारे पहचान भी अनित्य है, अनित्य हो चुका है ना, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है। देखिए अनित्य हो रहा है ना, एक एक सेकंड में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक एक सेकंड में खत्म हो रहा है। देखिए कितना जल्दी खत्म हो रहा है, अच्छे से देखिए सेकंड पर, बीतने वाले सेकंड पर ध्यान दीजिए कितना जल्दी खत्म हो रहा है सब। अब समझ गया टाइम कितना जल्दी खत्म हो रहा है। हम लोग को देखने लगता टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नहीं, ध्यान दीजिए एक सेकंड पे कितना जल्दी खत्म हो रहा है, अतीत हो रहा है ना, सारे वेदना अतीत हो रहा है। देखिए आप लोग नींद था किसी ने इसके बाद अभी संज्ञा के बारे में जान गया, अभी किस चीज के बारे में जानेंगे, संखार। और दो गो है संखार मतलब चेतना, चेतना उत्पन्न होता है स्पर्श से, यानी कि आंख रूप और विज्ञान तीन मिलन मिलने के कारण चेतना उत्पन्न होता है। आंख खान रूप, आंख रूप विज्ञान नहीं मिल गया तो, स्पर्श नहीं हुआ तो चेतना उत्पन्न होगा। चेतना मालूम है, चिंतन विचार, चेतना सोच, चेतना कहता है उसको। चेतना उत्पन्न होने के लिए स्पर्श चाहिए, लेकिन स्पर्श का स्वभाव कैसा है, स्पर्श मतलब तुरंत यानी हवा जैसा ठक तुरंत बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? स्पर्श आंख में रहते समय कान में नहीं रहता है, नाक में नहीं रहता है, जीभ में नहीं रहता है, शरीर में रहते मन में नहीं रहता है। स्पर्श मन में रहते समय बाकी पांच में नहीं है, नाक में रहते समय बाकी पांच में नहीं है, कान में रहते समय बाकी पांच में नहीं है, जीभ में रहते समय बाकी पांच में नहीं, शरीर में रहते समय बाकी पांच में नहीं। स्पर्श कितना स्पीड से बदल रहा है आप समझ लीजिए। हम लोग को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, गंध गंध भी आता है, कभी टेस्ट भी है, स्पर्श भी है, विचार भी आता है। कितना स्पीड बदल रहा है ना, तब समझ ली स्पर्श कितना स्पीड बदल रहा है। सोच भी सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकता, इतना जल्दी स्पर्श बदल रहा है। तो कितना जल्दी ये वेदना बदलता होगा, कितना जल्दी ये संज्ञा बदलता होगा, कितना जल्दी ये चेतना बदलता होगा। अतीत में जो कुछ चेतना था वो सारी चेतना स्पर्श कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श बदलने के कारण बदल हो गया, वो सारे वेदना अनित्य है। अतीत का सारे चेतना मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरी आत्मा नहीं। भविष्य में उत्पन्न होंगे चेतना, वो भी स्पर्श के कारण, रूप के बारे में चेतना, शब्द के बारे में चेतना, गंध के बारे में चेतना, रस के बारे में चेतना, स्पर्श के बारे में चेतना, महसूस के बारे में और विचार के बारे में चेतना, वो सारे उत्पन्न होने वाले चेतना नित्य होंगे। वो सारे वेदना चेतना मेरा नहीं, मैं ही नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वर्तमान में उत्पन्न होता है चेतना, है ना? अभी आप लोग वर्तमान में कहा पता है उत्पन्न होता है चेतना, ध्यान दे दीजिए उत्पन्न होता है ना, बाप इतना स्पीड उत्पन्न होता है, ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों नहीं ध्यान दे पाता है? क्यों? आप लोग को नींद लग रहा है, पांच निवरण से आप लोग का सब मन पकड़ लिया है। पांच निवरण क्या है? काम छंद यानी कि इच्छा, इच्छा कारण पे मन जाता है पांच कामों पे, व्यापाद शायद गुस्सा आता होगा, तीन मिनट आलसी होगा अभी सोएंगे अभी सोएंगे, उद्दच कुच्च मन भटकता है या पछताता है, यह विचिकित्सा डाउट हो रहा है। ये पांच में से कोई ना कोई आप लोग के पास जागृत है, उसी के चलते आपको समझ में नहीं आता है, नहीं तो अभी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्यों नहीं आप ज्ञान प्राप्त नहीं करता है? क्यों? क्योंकि पांच निवरण हम लोगों को धर के रहता है, अभी याद रखिए इतना डेंजरस है पांच निवरण। इसीलिए ध्यान ध्यान करना चाहिए रोज, इसीलिए हम लोग हुर के बता पूछ रहे तुम ध्यान किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं। क्यों? जब तक पांच निवरण है तब तक आप अंधेरा पे,
भगवान बुद्ध प्रवचन देते समय लोग बैठ के सुनता है, सुनने के बाद भगवान बुद्ध कुछ हल्का बात बोलने के बाद पांच निवरण का था मन ध्यान में आता है, तब भगवान बुद्ध ये गहरी बात बोलता है, बोलने के बाद ज्ञान प्राप्त। अभी भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं जैसा समझ लीजिए, भगवान बुद्ध की वाणी है ना ये, तो प्रॉब्लम क्या है, पांच निवरण से हम लोग मारपीट करता है खाता है, प्रॉब्लम वही है। अगर आप लोग पांच निवरण को बैठा के आंख बंद करके शरीर हल्का करके मन शांत करके सुन लिया तो शायद सोतापन होकर उठेंगे, ऐसा आश्चर्य ये धर्म संदिग्ध है, मरा हुआ धर्म नहीं है, जिंदा है अभी तक ये धर्म, मात्र इसको पानी डाल के जागृत करना है। इसके बाद वर्तमान में उत्पन्न होता है चेतना, वो सारे अभी चेतना उत्पन्न होता है ना, वो भी अनित्य है, वो सारे चेतना स्पर्श बदलने कारण बदल रहा है, वो चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, या अपना जैसा समझने वाली चेतना, यानी कि हम लोग रूप के बारे में सोचते हैं, हम लोग शब्द के बारे में सोचते हैं, हम लोग गंध के बारे में सोचते हैं, हम लोग रस के बारे में सोचते हैं, हम लोग चेतना के रस स्पर्श के बारे में चेतना करते हैं, हम लोग चिंतन करते हैं विचार के बारे में, वो सारी चेतना अपना जय समझने वाले सारी चेतना स्पर्श कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने कारण बदल रहा है। मुलायम प्रकार की सारी चेतना भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद उत्तम प्रकार से उत्पन्न होने वाली चेतना, उत्तम प्रकार से उत्पन्न होने वाली चेतना क्या है, ब्रह्म लोग का या तो फिर अरहंत लोगों का ध्यान में उत्पन्न होने वाले पांच निवरण नहीं है, वो सारे चेतना भी अनित्य है, अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य हो रहा है, वो सारे चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श कितना जल्दी बदल रहा है पता है ना, इतना पास्ट है पता नहीं चलता है, भगवान बुद्ध इसीलिए भगवान बुद्ध अलग 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 करके दिखाए। इसके बाद नीच प्रकार की क्या चेतना, यानी कि देवताओं, मान, नरक, प्रेतों का उत्पन्न होने वाली सारी चेतना स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, स्पर्श बदलने के कारण बदल रहा है, वो सारी नीच प्रकार की चेतना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, वो सारी चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अरहंत मुगलन बांते जी नरक में भी गए, बहुत पहले एक जन्म माँ को मार के खत्म हो गया वो चेतना, नरक में जाके उत्पन्न हुआ, फिर चोर लोग आके मार दिया वो भी खत्म हुआ है, अंगुलीमाल लोग काट दिया मार दिया खत्म हो गया है, आम्रपाली खूबसूरत थी खत्म हो गया है, चेतना नित्य में नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा है। दूर रहने वाले चेतना, दूर चेतना मतलब अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड और ब्रह्म लोग, देव लोग, उससे भी आगे गैलेक्सी, उससे भी आगे पृथ्वी है, तो उससे भी आगे पृथ्वी है, तो उधर तक अंत नहीं है, दूर में सारे चेतना स्पर्श के कारण उत्पन्न हो रहा है, वहां स्पर्श बदलने का कारण वहां बदल रहा है वो चेतना, वो सारे चेतना अनित्य हो चुका है, अनित्य होंगे, अनित्य है, हो रहा है, वो सारे चेतना अपना वास में कर सकता है, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। पास में जो कुछ चेतना है, ये सारी चेतना, ये भी एक छह इंद्रिया है, ये भी छह इंद्रिया है, ये भी छह इंद्रिया, ये भी छह इंद्रिया, छोड़ा कीड़ा मकोड़ा भी छह इंद्रिया, पास में जो कुछ चेतना है वो सारी चेतना अनित्य है, अनित्य है, वो सारी चेतना मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी यार। अभी अंतिम विज्ञान, विज्ञान उत्पन्न होता है नाम रूप के कारण, नाम मतलब वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श, मनसिकार,
रूप मतलब पट व्याप तेजो वायु, ये दोनों का मिलन से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। जहाँ पट व्याप तेजो वायु के साथ नाम नहीं है, नाम मतलब वेदना संज्ञा चेतना पस मनसिकार नहीं है, वहाँ विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। मुर्दा का विज्ञान उत्पन्न होगा मुर्दा में, पेड़ पौधा में विज्ञान उत्पन्न होगा, कुर्सी पे विज्ञान उत्पन्न होगा, माइक में विज्ञान उत्पन्न होगा, बोतल में विज्ञान उत्पन्न होगा, हम लोग का विज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ क्यों, हम लोग का रूप के साथ नाम है, नाम मतलब वेदना दर्द महसूस है ना, संज्ञा पहचान, चेतना चिंतन करना, स्पर्श स्पर्श होना, मनसिकार मनन करना, ये पांच तत्व हम लोग के पास है, आँख में भी है, कान में भी है, नाक में है, जीभ में है, शरीर में है, मन में है, ये पांच तत्व। इसीलिए हम लोग के पास विज्ञान है। ये पांच तत्व निकलता है कब, मरने के साथ साथ विज्ञान क्या होता है, साथ निकल जाके फिर कहीं नाम रूप है वहाँ बैठ जाता है। सिर्फ नाम होने पर बैठता है, सिर्फ रूप होने पर बैठता है, दोनों चाहे ऐसा है। तो नाम रूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। नाम रूप हमेशा बदलते रहता है, क्षण क्षण में, मारने के साथ नहीं, अभी बदलते रहता है, स्पर्श जैसा है नाम रूप ना, वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मानसिकार आँख में है, वो पांच तत्व तो कान में आ जाता है, नाक में आ जाता है। विज्ञान छह इंद्रियों में भटकते रहता है हमेशा, इतना स्पीड बल्ब जलते रहता है, हम लोग को देखने में लगता है बल्ब हमेशा जला हुआ रहता है, लेकिन बल्ब का स्वभाव सही स्वभाव कैसा है, बढ़ता है बुझता है, लेकिन दिखता है क्या, बिजली आता है इसलिए जलता है फिर बुझता है ना, लेकिन देखने लगता है बल्ब जला हुआ रहता है। वैसे ही विज्ञान लगता है हमेशा एक जगह पर रहता है, लेकिन ये भटकते रहता है चार इंद्रिया में। इसलिए ये विज्ञान अतीत में जो था वो विज्ञान भी अनित्य हुआ है, वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अतीत में कौन सा, सारे लोगों के पास विज्ञान था ना, काकुसंध भगवान बुद्ध के पास भी था, कौन आगम काश्यप गौतम भगवान बुद्ध लोगों के पास में भी था, पापी मार के पास में भी था, यमराज के पास में, देवताओं के पास में, ब्रह्म जी के पास, बांते लोग के पास, पापी लोग के पास, सभी लोग के पास था, खत्म हो गया। वर्तमान में भी जो कुछ विज्ञान है वो विज्ञान भी अनित्य है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं। भविष्य में उत्पन्न होगा विज्ञान, वो सारे विज्ञान अनित्य है, वो सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अपना जैसा समझने वाले विज्ञान है, अपना समझने वाले विज्ञान क्या है, आँख में चक्षु विज्ञान, कान में श्रोत विज्ञान, नाक में गहन विज्ञान, जीभ में जिह्वा विज्ञान, शरीर में काय विज्ञान, मन में मनोविज्ञान, ये विज्ञान भी अनित्य है, नाम रूप बदलता है ना, इसलिए ये विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद और क्या है, बाहर जो कुछ विज्ञान है, ये सारे विज्ञान, देखिए मेरा वास में है ये विज्ञान नहीं, हम चाहते सभी लोग बिना सोए हुए ध्यान से सुने, मन समाधि मिला करके, लेकिन सारे विज्ञान ऐसा नहीं है। ये देखिए एक दो विज्ञान, वो देखिए और एक विज्ञान, ये देखिए एक विज्ञान तोलते रहता है हमेशा, वो विज्ञान एकदम बंदर फूलता जैसा है। कि बाहरी विज्ञान अपना वश में कर सकता है, अनित्य है, बाहरी विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, एकदम सच है ना। इसके बाद कठोर विज्ञान, मनुष्य जान और इत्यादि, कठोर विज्ञान भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है, नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। ये कठोर विज्ञान भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, ये कठोर विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद मुलायम विज्ञान, ब्रह्म देव प्रेत नरक, वो लोगों का विज्ञान उत्पन्न होता है ना, वो छह प्रकार के विज्ञान उन लोगों के पास में भी है। नरक में तो छह प्रकार के विज्ञान दुख साथ है, देवलोक में तो सुख के साथ है, प्रेतों के पास दुख सुख दोनों कभी कभी है, दुख ज्यादा है। वो सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं,
मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद उत्तम विज्ञान, उच्च विज्ञान ब्राह्मणों के मन में उत्पन्न होता है, अरहंत लोग के मन में उत्पन्न समाधि में आने का उत्पन्न होता है, वो सारे विज्ञान भी नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है, नाम रूप बदलने के कारण वो भी बदल रहा है। वो सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, वो सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरे आत्मा नहीं। नीच विज्ञान, नीच विज्ञान पंच काम के साथ थे वो विज्ञान, देवलोक, मनुष्य, प्रेत, नरक, जानवर, वो सारे विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न होता है। नाम रूप तो बदलते रहता है ना, इसलिए वो विज्ञान अनित्य है, वो विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। दूर जितना विज्ञान है, विज्ञान ही दूर में, जितना दूर में सोच भी नहीं सकते उतना दूर में, सारे विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न हुआ, नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है। इसलिए दूर में जितना विज्ञान है वो सारे विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, वो सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा। पास में जो कुछ विज्ञान है सारे विज्ञान नाम रूप के कारण उत्पन्न हो कि नाम रूप बदलने के कारण बदल रहा है, सारे पास में जो विज्ञान है सारे विज्ञान अनित्य है, वो सारे विज्ञान मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं। ये पंच उपादान स्कंद के बारे में अतीत, अनागत, वर्तमान, अपना, अपने से बाहर, इसके बाद कठोर, मुलायम, ऊंच, नीच, दूर, पास, 11 प्रकार है ना, 11 प्रकार की से देख लिया। अभी अभी देखिए, कहीं भी एक भी जगह, एक भी पॉइंट से आपका मन रह जाएगा, यह मनन करिए, कहीं भी एक भी पॉइंट से आपका मन वहां टच होके जाएगा। रूम साफ करना है तो पूरा साफ हटा के साफ करना पड़ता है ना, एक बूंदा भी डर्टी नहीं रहने देंगे। गोदरेज भी निकाल दिया, प्लग भी निकाल दिया, अब कुछ नहीं है, खत्म। कहां राग रहेगा? राग एक नाम है, लेकिन राग उत्पन्न होता है रूप शब्द गंध रस स्पर्श पर, वो उत्पन्न होता है पंच उपादान स्कंद पर। उपादान मतलब बंधन होता है ना, बंधन हटा दिया तो तृष्णा नहीं, तृष्णा नहीं तो राग नहीं, राग नहीं तो क्रोध नहीं, क्रोध नहीं तो मोह नहीं तो अहंकार, घमन सब कथन। तो देखिए ये खूबसूरत ध्यान है ना, आपका मन कहीं नहीं रहेगा, किसी भी पर आप विश्वास भी नहीं करेंगे, शक भी नहीं करेंगे, आपको कभी दुख मिलेगा ही नहीं, दुख मिलने का कारण है ही नहीं। किस चीज पर दुख करेंगे सोचिए, किस किस चीज पर दुख हो जाएंगे? आपका भविष्य प्रार्थना अभी है क्या? खत्म। कितना खूबसूरत ज्ञान की रास्ता भगवान बुद्ध के पास है ना, ये अनित्य स्कंद ध्यान खूबसूरत है। यही अनित्य स्कंद ध्यान से कोन्नन्य वाप्प बाद्य महानमस्त जी भंते, पांच भंते लोग अरहत प्राप्त किए हैं। उन लोग इसी ध्यान से अरहत प्राप्त करने के पहले मन शांत हो गया था पंच निवारण से, इसीलिए ये गहरी ज्ञान को मनन करके समझने के लिए पंच निवारण बैठना चाहिए। ये तीन मिद्दे से मारपीट का आता है, वो तीन मिद्दे से मर गया, वो मरता है जिंदा होता है। ये अनित्य स्कंद ध्यान अच्छे से मनन करके अनित्य को समझने का भाग्य सबको मिल जाए।